बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी रेसिपी है आलू शिमला मिर्च। हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम ऑयल में और बहुत जल्दी। तो ये जो रेसिपी है मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये मेरी ग्रैंड मदर की रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ताकि और आप साथ में जो वीडियो है वो मेरी लास्ट तक देखें, ताकि कोई भी आपसे जो है पॉइंट मिस ना हो और आपके पास एक फुल रेसिपी आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जो है वो गर्म हो गया, मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी। अब इसको ज़रा से भुनेंगे। ज़ीरा अच्छे से भुन के अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये 1 मीडियम साइज प्याज है। अब इसको 2 से 3 मिनट में इस तरह ही भुनेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। प्याज देखिए अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 100 ग्राम आलू है। आलू और शिमला मिर्च में आलू मैंने इसलिए पहले डाले हैं क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं और जो शिमला मिर्च है वो जल्दी से पक कुक हो जाती है। अब 1 से 2 मिनट मैं इसको इसी तरह से भूनूंगी। तो देखिए आलू भी हमारे थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और प्याज भी ऑलरेडी थोड़े से ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून, थोड़ा ज़्यादा नमक, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और लाल मिर्च भी 1 टीस्पून थोड़ी सी ज़्यादा। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डालूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो हमारे अच्छी तरह से पक जाए और वो जले नहीं। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको इस तरह से भूनूंगी। तो देखिए आलू हमारे अच्छे से भून गए। अब मैं इसमें 2 दरमियाने साइज के टमाटर डालूंगी। अब साथ ही इसमें मैं 250 ग्राम है इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ। अब देखिए कितने ज़बरदस्त कलर लग रहे हैं, ग्रीन, रेड और येलो। अब इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ये अपने ही जूसेस में तैयार होगी। क्योंकि मैंने टमाटर डाले हैं इसे थोड़ा सा खट्टा सा टेक्सचर आएगा और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त पकेगी हमारी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। लेकिन पानी बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। अब इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि जो हमारी शिमला मिर्च है उसको भी इसी तरह सारे मसाले लग जाए। तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ, इसकी फ्लेम है वो स्लो कर दूंगी। पाँच मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया है और मैं अपने सब व्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे आपकी मोहब्बत और प्यार किस तरह से ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें। दोस्तों 5 मिनट हो गए, आप चेक कर लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये
जो इसका अपना सब्जी का जो जूसेस थे वो बिल्कुल हो गए, ख़त्म हो गए। अब मैं थोड़ी फ्लेम तेज़ कर दूँगी और इसको 2 मिनट के लिए भूनूँगी। अब ये देखिए आलू भी गल गए हमारे और शिमला मिर्च भी, कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका माशाल्लाह से। अब सिर्फ 1 मिनट में इसको इस तरह से भूनूंगी। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, अब इसको मिक्स कर लेंगे इसको। अब ये देखिए कितने ही कम ऑयल में मैंने मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार कर ली है। आप भी इस तरह से बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं फ्लेम इसकी ऑफ कर दूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।